अब हम लोग जिस टॉपिक पे आ गए वो है कॉम्प्लेक्स टिश्यू। तो हमने एक टॉपिक खत्म किया, उस टॉपिक का नाम था सिंपल परमानेंट टिश्यू। अब हम लोग आ गए हैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पे। नाम में ही कॉम्प्लेक्स वर्ड है, और कॉम्प्लेक्स शब्द का मतलब तुमको पता होता है बच्चों? कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? कॉम्प्लिकेटेड, नॉट सिंपल। और कॉम्प्लिकेटेड क्यों? क्योंकि इसके जो भी टिश्यू को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं उनके स्ट्रक्चर में सिमिलरिटीज नहीं है। जैसे ये जो हमने उंगलियां बताई थी, ये पांचों उंगलियों को खोलो, देखो ये डिसिमिलर हैं, लेकिन मुट्ठी बांधो और मुक्का मार रहे थे तो कॉमन इन फंक्शन। बस यही वो एग्जाम्पल था। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यू की पहली प्रॉपर्टी क्या हो गई? पहली प्रॉपर्टी कॉम्प्लेक्स टिश्यू की हो गई, दे कंसिस्ट ऑफ डिससिमिलर सेल। कैसे सेल का बना हुआ है? डिससिमिलर। ये जो लाइन हम लोग घेरे हैं ना, ये पहला क्वेश्चन है जो मेडिकल में आ सकता है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू इज डायग्नोसिस। और कैसे इसको डायग्नोसिस करेंगे? बाय ऑब्जर्विंग दैट इफ द सेल्स आर डिससिमिलर। अगर सेल्स डिससिमिलर हैं हम समझ जाएंगे ये कॉम्प्लेक्स टिश्यू है। डिससिमिलर किस मामले में? तो कहेंगे डिससिमिलर स्ट्रक्चर के मामले में, फंक्शन के मामले में नहीं। फंक्शन तो कॉमनली इनको मिलके करना है, फंक्शन तो कॉमन होना चाहिए। इट कंसिस्ट ऑफ डिससिमिलर सेल बट फंक्शन इज व्हाट? फंक्शन इज कॉमन, सब मिलके एक सा काम करेंगे। ऐसे दो टिश्यू को प्लांट एनाटॉमी में हम लोग पढ़ेंगे, एक का नाम है जाइलम और दूसरे का नाम है फ्लोयम। जाइलम और फ्लोयम के बारे में हम जो प्रीवियस क्लास में समझाए थे उसको फिर से रिपीट कर रहे हैं। जाइलम और फ्लोयम हमने कहा था एक प्लांट में पत्तियों को उसकी मम्मी समझ लो, और उनका दो बेटा है, एक जाइलम और दूसरा फ्लोयम। जाइलम को बोलती है बेटा जा नीचे से पानी ला, मतलब पानी लाने जाइलम नीचे जाता है। मतलब हमको ये मालूम हो गया था द फंक्शन ऑफ जाइलम इज कंडक्शन ऑफ वाटर। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग बात सुनो, पानी या कंडक्शन ऑफ वाटर, ये जब रूट पानी एब्जॉर्ब कर रहा होता है तो कैसे पानी को एब्जॉर्ब करता है? तो हम लोग कहेंगे बहुत इंटरेस्टिंग बात कि ये बिस्लेरी वाटर पीता है। बिस्लेरी वाटर का नाम तुमने सुना होगा। बिस्लेरी वाटर का मतलब क्या होता है? मिनरल वाटर की एक कंपनी जो सबसे पहले कंपनी इंडिया में लॉन्च हुई थी, बिस्लेरी। हम लोग अब बहुत से वाटर का नाम जानते हैं जो सॉल्टेड होता है, जिसमें मिनरल्स मिला रहता है। जैसे हम लोग नाम बोले बिस्लेरी वाटर, हम लोग गए रेल में जब जाते हैं ट्रेन में तो रेल नीर, ये सब कैसा वाटर है? ये सब हम लोग कहते हैं सॉल्टेड वाटर है, मिनरल्स कंटेनिंग वाटर है। तो इन पानियों को पीने का रिवाज हमारे यहाँ पिछले 10-15 सालों में डेवलप हुआ है। इसके पहले लोग ऐसे मिनरल वाटर नहीं पिया करते थे। 15-20 साल पहले अगर तुम्हारे दादाजी दादीजी घर पे हैं तो उनसे पूछना क्या वो मिनरल वाटर पीते थे, तो वो नहीं बताएंगे कि वो मिनरल वाटर पीते थे, क्योंकि ये मिनरल वाटर का कॉन्सेप्ट पिछले 10-15 सालों का ही है। लेकिन प्लांट अपने जन्म जन्मांतर से, जब से प्लांट का जन्म इस पृथ्वी पे हुआ है हजारों लाखों साल पहले से, वो बिस्लेरी वाटर ही पीता है ना? कितनी इंटरेस्टिंग बात, वो बिस्लेरी वाटर ही पीता है। मतलब वाटर अलोंग विथ मिनरल सॉल्ट इज बीइंग एब्जॉर्ब बाय रूट। पानी को कौन एब्जॉर्ब कर रहा है? रूट हेयर एब्जॉर्ब कर रहा है। और कैसे पानी को कर रहा है? सिर्फ पानी नहीं बल्कि पानी के साथ मिले हुए सॉल्ट को, मिनरल वाटर को ये एब्जॉर्ब कर रहा है। तो हम लोग कहते हैं और कौन सा टिश्यू एब्जॉर्ब कर रहा है? उसका नाम हमको बताया जाइलम। तो जाइलम क्या कर रहा था? जाइलम इज ए कंडक्टिंग टिश्यू। चूंकि ये वाटर को कंडक्ट करेगा, कल हम लोग ये पिछले क्लास में समझाए थे कि कंडक्टिंग नाम क्यों दिए थे, क्योंकि ये कंडक्ट कर रहा था वाटर को। कहां से कहां? वाटर को हम लोग कहेंगे सॉइल से लेके ये पत्ते तक पहुंचा रहा था, इसीलिए इसको कह दिए कंडक्टिंग टिश्यू। तो पहला पॉइंट हम लोग देखे, ये कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है जो डिससिमिलर सेल्स का बना हुआ है, लेकिन फंक्शन में कॉमन होगा। स्ट्रक्चरली दे आर डिफरेंट बट फंक्शन वाइज दे आर कॉमन। ये पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर हम लोग कहते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर टू इन नंबर। दो कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात कर रहे हैं, कौन कौन? पहले का नाम है जाइलम जो वाटर को कैरी कर रहा है, और दूसरे का नाम है फ्लोयम जो फूड को कैरी कर रहा है। अब जाइलम अकेला नहीं है, जाइलम के चार कॉम्पोनेंट्स हैं। कितने कॉम्पोनेंट्स हैं? चार कॉम्पोनेंट्स हैं। कौन कौन से कॉम्पोनेंट्स हैं? रिपीट करो मेरे साथ साथ बोलो। पहले कॉम्पोनेंट का नाम ट्रैकीट। फिर से रिपीट करो, पहले कॉम्पोनेंट का नाम ट्रैकीट। वेरी गुड। अब दूसरे कॉम्पोनेंट का नाम बोलो।
दूसरे कंपोनेंट का नाम बच्चों वेसल्स। क्या नाम है? वेसल्स। फिर से रिपीट करो, क्या क्या बताया? चार कंपोनेंट, चार कंपोनेंट किसके बारे में कह रहे हैं? वी आर डिस्कसिंग जाइलम, जाइलम को डिस्कस कर रहे हैं। कौन से चार कंपोनेंट हैं? पहले कंपोनेंट का नाम ट्रैकीड, दूसरे कंपोनेंट का नाम वेसल्स, और तीसरे कंपोनेंट का नाम जाइलम पेरेन्काइमा, और अब बच गई चौथी, चौथे कंपोनेंट का नाम है जाइलम फाइबर। फिर रिपीट करो बच्चों, कौन कौन से कंपोनेंट का नाम मैंने बताया? पहले कंपोनेंट का नाम ट्रैकीड, दूसरे का नाम वेरी गुड वेसल्स, तीसरे का नाम यस जाइलम पेरेन्काइमा, और चौथे का नाम बोलो, सोचो और रिकॉल करो, वेरी गुड इट इज जाइलम फाइबर। तो चार कंपोनेंट हो गए, कौन कौन से? पहले का नाम ट्रैकीड, दूसरे का नाम वेसल्स, तीसरे का नाम जाइलम पेरेन्काइमा, एंड द फोर्थ वन इज जाइलम फाइबर। कंपोनेंट याद हो गया। अब हम लोग इन चारों कंपोनेंट को ऑब्जर्व करते हैं, बिल्कुल रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी बच्चों, एनाटॉमी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। हम लोग इस तरह से डिस्कशन करेंगे कि आप एक बार अच्छे से इसको पढ़ो, वीडियो को देखो, और फिर अपने कॉपी और किताब में इसको रिकॉल करो और देखो कितना मजा आएगा, और फिर देखो क्वेश्चन सॉल्व करके, मेडिकल के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिस तरह से समझा रहे हैं, तुमको सिर्फ समझना है, रटने की तो कोई बात नहीं, वो परंपरागत बातें छोड़ दो, वो पहले रटे थे, एक जमाना था कि एनाटॉमी रटा करते थे, नहीं अब तुम्हारे लिए ये पास्ट की बात हो जाएगी कि एनाटॉमी तो रट लिए थे, मॉर्फोलॉजी तो रट लिए थे, अब हम लोग नहीं रट रहे, हम लोग क्या कर रहे हैं? समझ रहे हैं। तो पहले कॉम्पोनेंट्स को हम लोग क्या नाम दिए? ट्रैकीड, ट्रैकीड। दूसरे का नाम क्या रखे? वेसल्स। तीसरे का नाम क्या रखे हैं? जाइलम पेरेन्काइमा। और चौथे का नाम क्या रखे? जाइलम फाइबर। अब जरा देखते हैं चारों का एक डायग्राम। पहला छोटा सा डायग्राम मैंने बनाया है, इसको यहां पे इनलार्ज किया, ये है ट्रैकीड। दूसरा डायग्राम मैंने बनाया वेसल्स, और तीसरा जो अभी अभी हम लोग पढ़े थे पेरेन्काइमा, बस वही पेरेन्काइमा है, सिर्फ उसके पहले शब्द लिख दिए जाइलम। तो पेरेन्काइमा पेरेन्काइमा है, उसके पहले एक वर्ड ऐड किए जाइलम। इसका मतलब ये हुआ कि जो पेरेन्काइमा जाइलम से एसोसिएटेड है, जुड़ा हुआ है, उसका नाम क्या रखेंगे? जाइलम पेरेन्काइमा। और फिर चौथे कंपोनेंट की बारी आ गई, चौथे कंपोनेंट का नाम क्या है? फाइबर। क्या नाम है? फाइबर। तो मजेदार बात यह है कि चौथे कंपोनेंट को फाइबर कहते हैं। अभी अभी हमने फाइबर पूरी तरह से पढ़ा, वही फाइबर जो हमने अभी पढ़ा है, वही स्ट्रक्चर जब जाइलम के साथ जुड़ा हो तो हम लोग नाम रखते हैं जाइलम फाइबर। तो चार कंपोनेंट की बात हो गई, हमने क्या कहा? जाइलम कंसिस्ट ऑफ फोर कंपोनेंट्स। द फर्स्ट नेम ऑफ द कंपोनेंट इज व्हाट? ट्रैकीड। द सेकंड वन इज व्हाट? वेसल्स। द थर्ड वन इज जाइलम पेरेन्काइमा, एंड द फोर्थ वन इज जाइलम फाइबर। मीनिंग बाय व्हेन पेरेन्काइमा इज एसोसिएटेड विद जाइलम वी कॉल इट जाइलम पेरेन्काइमा, एंड व्हेन फाइबर्स आर एसोसिएटेड विद पेरेन्काइमा देन वी कॉल इट ऑफ कोर्स जाइलम फाइबर। फिर हम लोग आते हैं, जाइलम को ऊड और फ्लोएम को बास्ट नाम भी दिया गया। क्या क्या नाम बताया बेटा? जाइलम को ऊड और फ्लोएम को बास्ट नाम भी दिया गया। फिर से रिपीट करो, क्या क्या नाम बोले? जाइलम को ऊड और फाइलम को फ्लोएम को बास्ट नाम भी दिया गया। तो हम लोग यहां पे लिखेंगे, जाइलम को एक और नाम दिया गया ऊड। इसीलिए जब जाइलम पेरेन्काइमा की बात करते हैं तो किसी किसी बुक्स में लिखा रहता है ऊड पेरेन्काइमा, बिल्कुल सही है, ये कहीं गलत नहीं है। क्या टर्म होगा? जाइलम पेरेन्काइमा मे बी कॉल्ड एज ऊड पेरेन्काइमा, और जाइलम फाइबर इज मे बी कॉल्ड एज, जाइलम फाइबर मे बी कॉल्ड एज ऑफ कोर्स ऊड फाइबर। समझ में आ गई बात बच्चों? वेरी गुड। अब हम लोग आगे चलते हैं, जाइलम के चारों कॉम्पोनेंट को डिस्कशन करना है। चारों कंपोनेंट को फिर से ध्यान से देखो, पहला ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर तो है लेकिन एंड्स ब्लंट या पॉइंटेड दिख रहा है, दूसरा प्योरली ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, तीसरा राउंडेड दिख रहा है, और चौथा फाइबर है इसलिए दोनों एंड्स पे पॉइंटेड दिख रहा है। इसका मतलब चार तरह के सेल को हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, बट दे आर डिफरेंट इन स्ट्रक्चर, लेकिन चारों मिलके कहलाया जाइलम, और चारों का वाटर के कंडक्शन में रोल है, चारों मिलके क्या करेगा? पानी को कैरी करेगा।
तो अब हम लोग इसके वाटर कंडक्टिंग सिस्टम को समझेंगे कैसे कैसे पानी को कैरी किया जा रहा है। तो पहला हम लोग जाने, चूंकि ये डिफरेंट टाइप का था इसीलिए टर्म यूज किए, हेटरो मतलब होता है डिफरेंट, जेनस मतलब होता है टू जेनरेट, मतलब जाइलम का ओरिजिन, जेनस मतलब होता है टू ओरिजिनेट, जेनरेट करना। जाइलम के जेनरेशन में, बनने में चार डिफरेंट साइड्स का, डिफरेंट शेप के सेल का इन्वॉल्वमेंट हुआ, इसीलिए द टर्म इज हेटरो मीन्स डिफरेंट, जेनस मीन्स ओरिजिन। द ओरिजिन ऑफ जाइलम इज हेटरोजेनस। इज इट क्लियर टू यू? समझ में आ गया बच्चों? तो अब देखो हम लोग पहले पॉइंट जाने, तुमसे फिर पूछेंगे जाइलम के कॉम्पोनेंट का नाम बोलो, सबको याद हो गया होगा, क्या क्या बोलेंगे? ट्रैकेड, वेसल्स, जाइलम पेरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। मेरे साथ साथ रिपीट करो, क्या क्या देख रहे हो ना, क्या क्या नाम बोलेंगे? पहला, वेरी गुड, क्या नाम दिए? ट्रैकेड। दूसरा, वेसल्स। तीसरा, जाइलम पेरेन्काइमा। और चौथा, जाइलम फाइबर। फिर हम लोग कहते हैं चूंकि ये हेट्रोजेनस वर्ड समझ में आ गया, हेट्रोजेनस का मतलब था जाइलम के बनने में चार डिफरेंट कंपोनेंट का रोल था, ऑल कंपोनेंट्स आर डिफरेंट इन शेप, कैसे है, शेप इनका बिल्कुल डिफर कर रहा है ना, दे डिफर इन साइज एंड शेप बट दे आर कॉमन इन फंक्शन, लेकिन काम के मामले में ये सब मिलके काम कर रहा था, इसलिए पहले वर्ड को लिखे हेट्रोजेनस। सेकेंड वर्ड लिख रहे हैं, दे ऑल्सो नोन एज वैस्कुलर टिश्यू और कंडक्टिंग टिश्यू। अब इसको हम लोग समझ रहे हैं, चूंकि जाइलम और फ्लोएम जिस बंडल के अंदर रहते हैं उसको कहते हैं वैस्कुलर बंडल। क्या कहते हैं उसको हम लोग? वैस्कुलर बंडल। जाइलम और फ्लोएम जिस बंडल के अंदर रहते हैं उसका नाम क्या रखे हैं? वैस्कुलर बंडल। जाइलम और फ्लोएम, फिर से बात को समझो, जाइलम और फ्लोएम जिस बंडल में है उसका नाम वैस्कुलर बंडल, इसीलिए जाइलम और फ्लोएम को कहा दिया गया वैस्कुलर टिश्यू। क्यों कहा गया, समझ में आ गया? बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ वैस्कुलर बंडल, सो वी कॉल इट वैस्कुलर टिश्यू। अब दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ जाओ, बिकॉज दे आर कंडक्टिंग वाटर एज वेल एज फूड। क्या क्या कैरी कर रहे हैं ये लोग? जाइलम इज कंडक्टिंग वाटर, और कैसा वाटर? अभी हम लोग सीख गए हैं, मिनरल वाटर, मीनिंग बाय वाटर अलॉन्ग विथ मिनरल सॉल्ट इज बींग कंडक्टेड बाय जाइलम। तो ये कंडक्ट कर रहा है, वी कॉल इट, क्या कहेंगे इसको? फिर से रिपीट करो, तुम लोग बताओ क्या कहेंगे? हम लोग इसको कहेंगे कंडक्टिंग टिश्यू। क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये किसको कंडक्ट कर रहा है? तो क्या बोलेंगे बच्चों? वाटर को कंडक्ट कर रहा है। कौन कर रहा है? जाइलम कर रहा है। और फ्लोएम को कौन कंडक्ट कर रहा है? हम क्वेश्चन क्या पूछे, फ्लोएम को कौन कर रहा है? तुमको हंसी आनी चाहिए, फ्लोएम को नहीं कर रहे हैं, फूड को कंडक्ट कर रहा है कौन? फ्लोएम। तो ये बात देखो, ध्यान से सुनना है, जब वीडियो लेक्चर सुन रहे हो ना तो बहुत ध्यान से सुनना है, एक एक बातों को, एक एक बातों में जो हम बता रहे हैं ना, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझना भी है इनको साथ साथ, सिर्फ इसलिए नहीं, गाने की तरह नहीं सुनना कि ऑन कर दिया और वीडियो लेक्चर देख रहे हैं मैथ सर का, नहीं, जब हम पढ़ा रहे हैं तो जितनी तन्मयता से पढ़ा रहे हैं, जितनी छोटी छोटी चीजों को समझा रहे हैं, इसके लिए तुमको पेशेंसली रूम में बैठना है, एक एक बातों को ध्यान से सुनना है, और फिर देखो कितना मजा आ रहा है। तो हमने क्या कहा? हमने कहा कि इसको कहा वैस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू। और क्यों कहा कंडक्टिंग टिश्यू, ये समझ में आ गया? क्योंकि जाइलम वाटर और मिनरल सॉल्ट को कैरी कर रहा है, और दूसरी तरफ फ्लोएम किसको कैरी कर रहा है? फ्लोएम फूड को कैरी कर रहा है, तो दोनों ही कंडक्शन का काम कर रहा है, इसलिए इन दोनों को हम लोग क्या कह दिए? कंडक्टिंग टिश्यू। लेकिन दोनों के काम में अलग अलग तरह के स्ट्रक्चरली सेल का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन काम एक ही कर रहा है, वाटर को कैरी करना वन फंक्शन, फूड को कैरी करना वन फंक्शन, इसीलिए फंक्शनली दे आर, फंक्शन वाइज दे आर डूइंग वन फंक्शन बट स्ट्रक्चरली दे कंटेन डिफरेंट कॉम्पोनेंट। ये दूसरी बात हो गई। हम लोग, ये टर्म कौन दिया था? तो ये साइंटिस्ट नागेली कॉइन द टर्म जाइलम। ये जो टर्म था जाइलम, ये देने वाले साइंटिस्ट का नाम क्या था? नागेली। तो एनाटॉमी में हम लोग देखते हैं, कुछ नाम बार बार रिपीट होगा, है ना। फिर हम लोग आते हैं, वाटर के सिर्फ वाटर था तो नहीं, हम लोग देखे वाटर अलोंग विथ मिनरल सॉल्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब क्वेश्चन आता है देता है रूट एब्जॉर्ब, है ना, और रूट हेयर्स एब्जॉर्ब, पहला ऑप्शन देता है वाटर, और लास्ट ऑप्शन कहीं ना कहीं रहता है वाटर अलोंग विथ मिनरल सॉल्ट। तुम्हारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? तुम्हारा ऑप्शन होना चाहिए वाटर अलोंग विथ मिनरल सॉल्ट।
हम लोग बताएं कि जब भी पहला आंसर सही हो रुक जाना, खतरे की घंटी है, क्योंकि पहला ऑप्शन क्या था? पहला ऑप्शन था रूट एब्जॉर्ब वाटर, ये बिल्कुल सही है, लेकिन ये करेक्ट है, बट बेस्ट आंसर क्या है? बट बेस्ट आंसर इज वाटर अलॉन्ग विथ मिनरल सॉल्ट। इसलिए बार बार हम लोग रिपीट कर रहे हैं, पूरे लेक्चर में हम इस बात को रिपीट कर रहे हैं कि वेन एवर योर फर्स्ट आंसर इज करेक्ट, बी वेयर, तुरंत सावधान हो जाओ, कुछ ना कुछ खतरा है, क्योंकि फोर्थ आंसर कभी कभी बेस्ट आंसर होता है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन में जब कभी पहला ही सही आंसर हो, तुम रुको और फोर्थ, थर्ड, सेकेंड को बहुत प्रॉपरली ऑब्जर्व करो, क्योंकि ज्यादातर केस में ऐसे क्वेश्चंस में देखा गया कि फर्स्ट इज योर आंसर बट लास्ट वन इज द बेस्ट आंसर। और आपको जब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में सिलेक्शन करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, बेस्ट आंसर हमको ढूंढना पड़ता है। फिर हम लोग आते हैं, ये कंडक्ट किया वाटर को, अब हम लोग जाइलम में प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन हम लोग दो जाइलम की बात कर रहे हैं। एक नॉर्मल प्लांट में जब सेकेंडरी ग्रोथ नहीं हुआ है, प्लांट लंबाई में बढ़ रहा था, तब दो तरह का जाइलम बना। एक जाइलम जो शुरू में बना, अब सोचो ये पूरा प्लांट है, नीचे से कल्पना करो कि प्लांट है, इसमें इस चौक के बारे में कल्पना करो कि ये जाइलम का पैसेज है और ये वाटर कैरी कर रहा है। दूसरी तरफ एक और पैसेज इसके बगल में हुआ, ये मेरी उंगलियों से बने हुए इस पैसेज का डायमीटर इस चौक से बने हुए डायमीटर से ज्यादा है, तो ये छोटा है और ये मोटा है। तो हम लोग टर्म कल क्या बताए थे, इसको कहेंगे प्रोटोजाइलम विथ स्मॉलर डायमीटर, और जो लार्जर डायमीटर का है हम लोग टर्म यूज करते हैं मोटा, उसी से ये टर्म यूज किए, ड्राइव किए याद रखने के लिए, मेटाजाइलम। तो अब टर्म क्या क्या हो गया बच्चों, प्रोटोजाइलम विथ स्मॉलर डायमीटर, मेटाजाइलम विथ लार्जर डायमीटर, और ये दोनों ही वाटर को कैरी कर रहा है। प्राइमरी जाइलम, जब प्राइमरी बॉडी ऑफ द प्लांट बन रहा था तो दो तरह का जाइलम बना, एक जो छोटे डायमीटर को कैरी कर रहा है, इसका नाम रखे हैं प्रोटोजाइलम, और दूसरा जो लार्जर डायमीटर को कैरी कर रहा है, जिसमें डायमीटर ज्यादा बड़ा है, इसका नाम क्या रखे हम लोग, मेटाजाइलम। तो जाइलम कितने तरह का हो गया, प्राइमरी जाइलम को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। जो पहले बना, पहले कौन बना, जब प्लांट इलोंगेट हो रहा था तब जो जाइलम अपीयर हुआ उसका नाम रखे हैं प्रोटोजाइलम, है ना। जो प्लांट पहले बन रहा था तो हम लोग बोले प्लांट में दो तरह का ग्रोथ होता है, एक जब प्लांट लंबाई में बढ़ रहा होता है हम लोग इसको कहते हैं प्राइमरी ग्रोथ ऑफ द प्लांट, और इस समय जो जाइलम है वो है प्राइमरी जाइलम, और ये प्राइमरी जाइलम में जो छोटे डायमीटर का है उसको बोले प्रोटोजाइलम, और जो ज्यादा बड़ा डायमीटर का उसका नाम रख दिए मेटाजाइलम। ये समझ में आ गई बात। अब हम लोग फिर आगे चलते हैं, ये इसका मतलब प्रोटोजाइलम जिस समय प्राइमरी बॉडी ऑफ द प्लांट बन रहा था, प्रोकैम्बियम में डिफरेंशिएशन हुआ था, उस समय जो सबसे पहले बना उसका डायमीटर कम था, तो हम लोग टर्म यूज करेंगे प्राइमरी जाइलम एंड सेकेंडरी जाइलम, दो टर्म यूज कर रहे हैं। अब हम लोग सेकेंडरी जाइलम समझना शुरू करते हैं। सेकेंडरी जाइलम ये वो जाइलम है जब प्लांट लंबाई में बढ़ना रुक जाता है और डायमीटर उसका बढ़ना शुरू होता है। अब हर साल प्लांट गर्थ में, मोटाई में, सरकमफेरेंस में इंक्रीज कर रहा होता है, हम लोग कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ के समय जो जाइलम बनता है उसका नाम रखते हैं सेकेंडरी जाइलम, और यहां पे अब कोई प्रोटो और मेटा जाइलम नहीं होता है, करीब करीब जाइलम का डायमीटर, सारे जाइलम का डायमीटर एक सा होता है। इसीलिए सेकेंडरी जाइलम के बारे में दो बात जाने, पहली बात क्या जाने, पहली बात हम लोग सीखे कि सेकेंडरी जाइलम जब प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ होता है, सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब कल क्या बताए थे हम लोग, सेकेंडरी ग्रोथ का मतलब समझाए थे जब प्लांट डायमीटर में इंक्रीज कर रहा हो, जब प्लांट सरकमफेरेंस में इंक्रीज कर रहा हो, जब प्लांट गर्थ में इंक्रीज कर रहा हो, या यूं सोचो हम लोग मोटे हो रहे हो, तो जब मोटे हो रहे हैं तो सेकेंडरी ग्रोथ, और जब लंबे हो रहे हैं तो प्राइमरी ग्रोथ। बिल्कुल समझ में आ गया। तो जब प्लांट में सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा था उस समय जो जाइलम अपीयर हुआ उसका नाम क्या रखे, सेकेंडरी जाइलम, और जब सेकेंडरी जाइलम की बात करेंगे तो क्या कहेंगे,
ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी जाइलम कब बना? जब सेकेंडरी ग्रोथ हो रहा था, और सेकेंडरी ग्रोथ प्रोटो और मेटा में डिफरेंशिएट नहीं होता है, इट डज नॉट डिफरेंशिएट इनटू प्रोटो एंड मेटा। मतलब सेकेंडरी ग्रोथ के समय बनने वाला सारा जाइलम का कंपोनेंट एक सा होता है, मीनिंग भाई जाइलम का डायमीटर एक सा होता है, कंपोनेंट नहीं कहेंगे, जाइलम का डायमीटर। जाइलम में अब हम लोग फिर आते हैं जाइलम के कंपोनेंट पे, हम लोग शुरू करते हैं समझना। तो जाइलम के बारे में अब तक हम लोग जाने, अभी हम लोग को जाइलम से रिलेटेड और भी कुछ टर्म जानना है। जैसे जो टर्म जानना है वो है वैस्कुलर बंडल से रिलेटेड आए कुछ टर्म आएगा, जिसमें जाइलम और फ्लोएम दोनों की चर्चा हम लोग करेंगे। तो वो टर्म होता है जैसे एक्सार्च वैस्कुलर बंडल, है ना, इंडार्च वैस्कुलर बंडल, रेडियल वैस्कुलर बंडल। अभी हम लोग वैस्कुलर बंडल पे कॉन्सेंट्रेट नहीं कर रहे हैं, एक टर्म तुम लोगों को समझाते जा रहे हैं, सुना रहे हैं ये, फिर हम लोग जब वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम की को पढ़ना शुरू करेंगे तब हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे। तो अभी हम लोग किस किस चीज को डिस्कस किए, पहला डिस्कशन किए हम लोग जाइलम के बारे में। जाइलम के बारे में पहली बात क्या जाने, जाइलम कंसिस्ट ऑफ फोर पार्ट, चारों पार्ट डिफरेंट टाइप का था। पहले का नाम रखे ट्रैकिड, ये ट्रैकिड का एग्जांपल डायग्राम बनाया, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर तो है और इसके वॉल में थिकनेस दिख रहा है, ये कैसा दिख रहा है, थिकनिंग दिख रहा है, है ना, और ये वॉल में थिकनिंग दिख रहा है और साथ ही साथ कुछ केमिकल कंपाउंड का डिपोजिशन हो गया है। इस केमिकल कंपाउंड के डिपोजिशन से गड्ढा बन गया। अभी हम थोड़ी देर पहले समझाए थे गड्ढा कैसे बन सकता है, एक हम डिपोजिशन करें और एक जगह पे डिपोजिशन नहीं करें। जैसा हमने बताया कि पैरों पे बालू को रख दिए और धीरे से पैर निकाल लिए तो एक गड्ढा बन गया। ये गड्ढा क्यों बना, क्योंकि डिपोजिशन किए। ठीक उसी तरह से यहां पे डिपोजिशन हुआ और जिस जगह पे डिपोजिशन नहीं हुआ वहां पे क्या अपीयर हो जाएगा, पिट्स और गड्ढा दिखाई दे रहा था। तो हम लोग कहते हैं ट्रैकिड्स के वॉल में, हम लोग एक ट्रैकिड्स को देख रहे हैं, ट्रैकिड्स के वॉल में डिपोजिशन हो रहा था। इसके अंदर की कैविटी को कह रहे थे ल्यूमेन, और ये देखने में ट्यूब के समान तो है, और लेकिन जो इसका एंड्स होता है ना वो थोड़ा ब्लंट होता है ना, ये बिल्कुल पॉइंटेड नहीं होगा बल्कि कैसा हो जाता है, थोड़ा ब्लंट हो जाता है, ऐसा डायग्राम में दिखाते हैं इसको हम लोग। और एक के ऊपर एक ट्रैकिड अरेंज है, बिल्कुल इसको समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, ये देखो हम तीन ट्रैकिड दिखा रहे हैं अलग अलग कलर का, ये ट्रैकिड का एक टुकड़ा है, दूसरा ये ट्रैकिड एक है, एक येलो कलर का है, ये व्हाइट कलर का, ये तीसरा ट्रैकिड है। अब इनके बीच में आपस में साइटोप्लाज्म का फाइबर रन कर रहा है। साइटोप्लाज्म के फाइबर के रन करने से जो वाटर कंडक्शन था, ये पानी यहां पे आया, अब ये पानी यहां से इस फाइबर के थ्रू दूसरे ट्रैकिड में चला गया। मीनिंग भाई यहां पे प्रोटोप्लाज्म का फाइबर दो दो गड्ढा है और उसके बीच से एक फाइबर रन कर रहा है, इस तरह से समझ लो तुम। तो ये पिट्स है एक तरफ और इधर भी पिट्स है, और दोनों के पिट के बीच से कुछ साइटोप्लाज्म का फाइबर है जो वाटर को कंडक्ट कर देगा। तो हम लोग पहले एलिमेंट को जाने, पहले एलिमेंट का नाम दिए ट्रैकिड्स। दूसरा जो एलिमेंट होता है उसका नाम अभी हम लोग डिस्कस किए थे, उसको कहते थे वेसल्स। तीसरे का नाम रखे हम लोग जाइलम पेरेन्काइमा, जो ऑलमोस्ट पेरेन्काइमा की तरह होगा, सर्कुलर, ओवल या स्फेरिकल, आइसोडायमेट्रिकल। और चौथे को हम लोग कहे जाइलम फाइबर, जिसका दोनों एंड्स पॉइंटेड होगा, जैसा कि फाइबर में हम लोग अभी डिस्कस किए थे। तो अब हम लोग शुरू करते हैं एक एक करके, और क्या क्या हम लोग सीखे, हम लोग देखे जाइलम्स आर हेटरोजेनस। हेटरोजेनस का मतलब बताया डिफरेंट टाइप के सेल्स का बना हुआ। दूसरी बार डिस्कस किए ऑल्सो नोन एज वैस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू, चूंकि ये कंडक्टिंग टिश्यू है, पानी को कैरी कर रहा है, इसलिए नाम दिए कंडक्टिंग टिश्यू। तीसरी बात बताए पानी भी कैसा, तो नाम बताए बिस्लेरी वाटर, कंडक्ट वाटर अलॉन्ग विथ मिनरल सॉल्ट। चौथी बात बताए प्राइमरी जाइलम, जो पहले जाइलम बना जब प्लांट लंबा हो रहा था प्राइमरी जाइलम बना, और जब प्लांट डायमीटर में इंक्रीज कर रहा था तब सेकेंडरी जाइलम बना। जब प्राइमरी जाइलम बना उस समय उस जाइलम का दो पार्ट था, एक का नाम दिए हैं प्रोटो जाइलम, जिसका डायमीटर कम था, और एक बड़े डायमीटर वाला जाइलम बना। ये सोचो एक प्लांट है, नीचे से दो पाइप रन कर रहा है, एक पाइप का डायमीटर कम है और दूसरे का डायमीटर ज्यादा है, तो कम डायमीटर वाले पाइप का नाम क्या रखे,
प्रोटोजाइलम, और ज्यादा वाले का नाम क्या रखे, मेटाजाइलम। तो ये प्राइमरी जाइलम का पार्ट था। लेकिन सेकेंडरी जाइलम का फॉर्मेशन कब हुआ, हमने कहा जब प्लांट डायमीटर में ग्रोथ करेगा उसको सेकेंडरी ग्रोथ कहेंगे, और सेकेंडरी ग्रोथ के समय जो जाइलम बनेगा उसको हम लोग क्या नाम देंगे, सेकेंडरी ग्रोथ के समय जो जाइलम बनेगा उसका नाम देंगे सेकेंडरी जाइलम। तो ये दूसरी बात हो गई, सेकेंडरी जाइलम कब बनता है, ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ बन रहा है। सेकेंडरी जाइलम इज नॉट डिफरेंशिएटेड, ये डिफरेंशिएटेड नहीं हो रहा है ना, इसमें प्रोटो और मेटा में। अब हम लोग ट्रैकेट्स पे आ जाते हैं, एक एक करके चारों कंपोनेंट्स को देखते हैं। पहले कंपोनेंट का नाम दिया गया है ट्रैकेट्स। ट्रैकेट्स जब प्लांट का ओरिजिन हो रहा था तो सबसे पहले कौन सा प्लांट आया था, हम लोग कहते हैं पानी में एल्गी ग्रो किया, लैंड एरिया में लाइकेंस आया, और उसके बाद ब्रायोफाइटा आया, और उसके बाद फिर ट्रेडोफाइटा आया। तो जब वाटर कंडक्टिंग की बात हम लोग कर रहे थे तो कहते हैं सबसे प्रिमिटिव जब पहली बार कोई कंडक्टिंग टिश्यू आया तो वो कौन था, ट्रैकेट था। इसीलिए टर्म यूज किए प्रिमिटिव कंडक्टिंग टिश्यू, प्रिमिटिव कंडक्टिंग एलिमेंट ऑफ जाइलम। और वो पहले जिस प्लांट में आया ब्रायोफाइटा में आया, और ब्रायोफाइटा के बाद इवोल्यूशन हुआ ट्रेडोफाइटा या फर्न का, ट्रेडोफाइटा के बाद इवोल्यूशन हुआ जिम्नोस्पर्म का, और जिम्नोस्पर्म के बाद आया एंजियोस्पर्म का प्लांट। इन सब में ट्रैकेट्स मिल रहा था, इन सब में ट्रैकेट्स मिल रहा था। तो हम लोग कहते हैं ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और लिग्निन का डिपोजिशन हो गया है, इसीलिए टर्म यूज किए लिग्निफाइड। देखने में कैसा होगा, शेप कैसा होगा, ट्यूब के समान, तो टर्म यूज किए ट्यूब लाइक। लेकिन इस चूंकि लिग्निन का डिपोजिशन हो गया तो हम लोग कहेंगे ये डेड टिश्यू है। तो जाइलम और फ्लोएम में एक बार क्वेश्चन आया था, जाइलम के चार कंपोनेंट में तो तीन डेड टिश्यू है एक लिविंग है, कौन सा डेड टिश्यू है कौन सा लिविंग है, तो याद रखना ट्रैकेट्स काट दिए डेड टिश्यू, वेसल्स काट दिए डेड टिश्यू, और फाइबर को भी काट दिए डेड टिश्यू, और पेरेन्काइमा को टिक कर दिए लिविंग टिश्यू। तो ये एक कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं, जहां भी लिग्निन का डिपोजिशन देखा गया, समझ ऐसा देखा गया एनाटॉमी में कि जहां भी लिग्निन का डिपोजिशन था वो नॉर्मली डेड टिश्यू में पाया गया, इसीलिए यहां भी देख रहे हैं हम लोग ट्रैकेट में लिग्निन का डिपोजिशन, ये डेड टिश्यू है ना। फिर हम लोग आते हैं कहां मिला, तो बोलेंगे ट्रैकेट्स आर प्रेजेंट इन ट्रेडोफाइटा, ट्रेडोफाइटा में, ब्रायोफाइटा के बाद जब ट्रेडोफाइटा आया इसको कहे फर्स्ट वैस्कुलर प्लांट, पहली बार अब कंडक्टिंग एलिमेंट्स आना शुरू हो गया। फिर जिम्नोस्पर्म में भी मिला और एंजियोस्पर्म में मिला, और जब इसके स्ट्रक्चर को देखे तो देखे ट्रैकेट एक ही सेल का बना हुआ है, इसीलिए टर्म क्या यूज कर रहे थे, यूनिसेलुलर। टर्म क्या यूज किया हम लोग, एक ही सेल का बना हुआ था इसीलिए यूनिसेलुलर। और अब इसके अंदर जो थिकनिंग होती है ना, ट्रैकेट हो या वेसल्स हो, अंदर से वॉल कैसा होगा, थिक होगा, क्यों, क्योंकि वाटर कंडक्ट करना है, वाटर कंडक्शन के लिए जो पानी जब मूव करेगा तो एक प्रेशर होगा उसके वॉल पे, इसीलिए वॉल में थिकनिंग की जरूरत पड़ गई। थिकनिंग का टाइप अलग अलग होगा, ट्रैकेट हो या वेसल्स हो, थिकनिंग का टाइप क्या होगा अलग अलग होगा। तो पहले इस ट्रैकेट के बाद हम लोग वेसल्स को डिस्कस करेंगे, और फिर वेसल्स डिस्कस करने के बाद हम लोग टाइप ऑफ थिकनिंग को डिस्कस करेंगे। तो अब हम लोग शुरू करते हैं नेक्स्ट वेसल्स। तो ट्रैकेट को समअप किए हम लोग, ट्रैकेट्स के बारे में हम लोग जाने जाइलम के चार कंपोनेंट को, पहला ट्रैकेट्स, दूसरा वेसल्स, तीसरा जाइलम पेरेन्काइमा, और चौथा जाइलम फाइबर। तो ये तुम्हारा चार कंपोनेंट हो गया, इनमें से एक कंपोनेंट को हम लोग डिस्कस किए उसका नाम था ट्रैकेट। अब जो हम लोग दूसरे टॉपिक को डिस्कस करेंगे उसका नाम क्या होगा, वेसल्स। और वेसल्स को डिस्कशन करने के बाद हम लोग टाइप ऑफ थिकनिंग समझाएंगे, थिकनिंग भी रटना नहीं है, थिकनिंग को भी क्या करना है, समझना है, ठीक है।